हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। विकास, एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, तुर्की से ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध का डर पूरी दुनिया को सता रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध थम नहीं रहा, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथ की राह पर चल रहे देश तुर्की युद्ध की आग बुझाने की बजाय और इसको भड़का रहा है। तुर्की ने कहा है कि वो अजरबैजान में अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है। तुर्की के उपराष्ट्रपति ने सीएनएन से बातचीत में ये बात कही है। शुरुआत से ही तुर्की पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो न सिर्फ इस युद्ध को भड़का रहा है बल्कि इस पूरे खत्ते में मुस्लिम दावेदारी एक बेहतरीन देश, एक बेहतर, एक मजबूत देश के तौर पर खुद की पेश कर रहा है। अजरबैजान मांगे तो सेना भेज देंगे। अब तुर्की की तरफ से ये आधिकारिक बयान आया है। अब तक कहा जा रहा था कि तुर्की दबी जुबान या फिर पीछे से अनाधिकारिक तौर पर लगातार समर्थन कर रहा है अजरबैजान का। अब तुर्की ने सीधे सीधे कह दिया है कि वो अजरबैजान में अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है। तुर्की के उपराष्ट्रपति ने बकायदा सीएनएन को इंटरव्यू में ये बात कही है। बता दें आपको, अजरबैजान एक पूरा इस्लामिक बाहुल्य देश है, आर्मेनिया ईसाई बाहुल्य देश है। इस पूरे मामले में शुरुआत से ही तुर्की की भूमिका संदिग्ध रही है। माना जा रहा है कि तुर्की ही वो देश है जो लगातार अजरबैजान और आर्मेनिया को भड़का रहा है। और पहली बार आधिकारिक तौर पर तुर्की के उपराष्ट्रपति ने सीएनएन से कहा है कि अगर अजरबैजान चाहे तो हम उसके साथ खड़े होने को तैयार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जाहिर तौर पर युद्ध की आग में क्या तुर्की पूरी दुनिया को एक तरह से न सिर्फ उकसा रहा है बल्कि झोंक रहा है। अजरबैजान आर्मेनिया में भीषण लड़ाई इस वक्त लगातार जारी है। तुर्की का यह भड़काऊ भाषण उस आग में न सिर्फ घी बल्कि पेट्रोल का काम करेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर रूस और अमेरिका क्या पूरी तरह से खुलकर आर्मेनिया के साथ आ जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि रूस और अमेरिका पहली बार किसी देश के साथ है।